हमारे पास कितना कार्बन था? 24 ग्राम था ना सेकंड पार्ट में, तो उसके मोल कितने आए थे? 2 मोल आ गए थे। ऑक्सीजन कितना मोल लिया है? 2 मोल, 2 मोल कार्बन और 3 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल कार्बन से 3 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल कार्बन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन आ रहा है? 1.5। तो क्या वो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? केवल सेकंड होगा ना खाली बस। तो अगर सेकंड होगा तो बस सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू, तो कितना है कार्बन? 2 मोल। ओ टू कितना है? 3 मोल। लिमिटिंग कौन है ये? तो एक से एक बनता है तो 2 से 2 बनेगा, तो 2 मोल सी ओ टू बनेगा। पहला आंसर ये आ गया। कितना ओ टू बच गया? 2। 1 मोल से 1 मोल कंज्यूम होता है तो 2 मोल से 2 मोल कंज्यूम होगा, तो कितना बच गया? 1 मोल ओ टू लेफ्ट। और निश्चित तौर पे जब सी ओ टू बनता है तो ओ टू हमेशा किस में होता है? एक्सिस में होता है। तो फिर बाकी बचा हुआ ही एलआर हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस है एकदम। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने आपको दिया था घर से सॉल्व करने को, तो आई होप आप लोग करके लाए होंगे। अब मुझे थर्ड पार्ट जो है ना आपको बताना है। थर्ड पार्ट में बताइए सबसे पहले वेट ऑफ कार्बन कितना है? 48 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ2 कितने हैं? 3 मोल। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे? 4 आ गए। ठीक है, तो वही है कि 4 मोल से 3 मोल, मतलब 4 मोल कार्बन रिएक्शन कर रहा है 3 मोल के साथ, तो हमें 1 मोल के हिसाब से देखना है। तो 1 मोल के हिसाब से कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 हो जाएगा ना, तो 3/4 जो नंबर आ रहा है तो उसके हिसाब से कौन से रिएक्शन होने चाहिए? केवल एक या दोनों, या एक या दोनों, या फिर केवल लास्ट वाला? दोनों होने चाहिए ना। हाँ, क्योंकि वो 0.5 और 1 के बीच में आएगा, इसलिए दोनों रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा? दोनों रिएक्शन यहाँ पर लिखने हैं। तो दोनों रिएक्शन मतलब सबसे पहला रिएक्शन कौन सा लिखेंगे? कार्बन प्लस हाफ ओ टू गिव सी ओ, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या है बेटे? गिव सी ओ टू, बोलो हाँ या ना। दोनों रिएक्शन होंगे। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास कार्बन तो 4 ही मोल है खाली, और उसमें भी दोनों तरफ रिएक्शन चल रहे हैं, तो 4 मोल कार्बन हमारे पास है। अब आप ये मान के चलो कि सपोज करो कि 4 मोल में एक्स मोल कार्बन यहां पर रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर कितना करेगा? 4 - x, कोई दिक्कत? अब ये सोचो कि अगर यहां पर एक्स मोल कार्बन रिएक्शन कर रहा है तो एक्स के हिसाब से ओ टू कितना रिएक्शन करेगा? x/2। ये कितना बनेगा? x। 4 - x के हिसाब से ये कितना ओ टू रहेगा? 1:1 के हिसाब से 4 - x, तो ये भी 4 - x, तो ये कितना बनेगा? दिस इज ऑल्सो 4 - x। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब एक बात बताओ कि ओ टू के कितने मोल हैं? 3 मोल। अब जब दोनों रिएक्शन चल रही हैं तो ओ टू यहां पर भी कुछ ना कुछ लगा होगा और ओ टू यहां पर भी कुछ ना कुछ लगा होगा, लेकिन हमारे पास ओ टू के तो केवल 3 ही मोल है ना, इसका मतलब जितना भी ओ टू लगा वो किसके इक्वल होगा? 3 मोल के बराबर होगा। तो यहां पर कितना ओ टू लग रहा है? अरे x/2 लग रहा है। यहां पे कितना लग रहा है? 4 - 1 लग रहा है। इसका समेशन किसके बराबर कर दें? 3 के बराबर कर दें। बस आगे आंसर x की वैल्यू निकाल लो, डाल दो, सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - x/2 = 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई,
तो कितने कितना सीओ बना, दो ही तो बना ना, 2 मोल। कितना सीओ2 बना, 2 मोल बना। और मैंने आपको कल यहाँ पे लिखाया था कि अगर थर्ड वाला केस जिसमें दोनों रिएक्शन एक साथ चलते हैं उसमें एक भी रिएक्टेंट लेफ्ट नहीं होता, आप चाहो तो नोट्स में देख सकते हैं, मैंने लिखवाया है साफ साफ एकदम, ठीक है ना। मैंने लिखवाया था, देखो जरा नोट्स में देखिए क्या लिखवाया था। हाँ, नन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट लिखवाया था ना, इसका मतलब था रिएक्टेंट बचेगा नहीं तो उसके बारे में कमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो सब खत्म हो चुका है पूरा, खाली प्रोडक्ट के बारे में कमेंट कर किया जा सकता है बस केवल, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, ये हटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 14.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली टू यील्ड ए मिक्सर ऑफ टू यील्ड ए मिक्सर ऑफ आईसीएल एंड आईसीएल3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आईसीएल एंड आईसीएल3 फॉर्म। ऑप्शन ए है 0.1 मोल कॉमा 0.1 मोल। ऑप्शन बी है 0.1 मोल कॉमा 0.2 मोल। ऑप्शन सी है 0.5 मोल कॉमा 0.5 मोल। ऑप्शन डी है 0.2 मोल कॉमा 0.2 मोल। निकालो बेटा, एकदम नया क्वेश्चन है ये। क्या आयोडीन का 127, आयोडीन का बेटा 127 है मोलर इसका एटॉमिक मास।
हुआ। ऑप्शन ए, चलो चेक करता हूँ फिर अभी। सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन जब लिखा आपने तो उसमें दो रिएक्शन बनेंगे, तो दोनों चलेंगे कि वाले एक चलेगा, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। इसमें रिएक्शन क्या लिखा, चलो बताओ क्या लिखा रिएक्शन आपने, बोलो पहला रिएक्शन क्या लिखा। आई टू प्लस सी एल टू गेट्स, एक तो ये बनवा रहा है वो, और दूसरा रिएक्शन क्या लिखा बोलो। गेट्स ये लिखा, ठीक बैलेंस है सब। अब क्या है फंडा, अगर एक मोल आयोडीन एक या एक से कम मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो केवल रिएक्शन नंबर वन होगा, अगर एक मोल आयोडीन तीन या तीन से ज्यादा मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो रिएक्शन आपका सेकंड होगा, और अगर वो एक से तीन के बीच में करे तो फिर दोनों रिएक्शन होंगे। यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा तो अब सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आयोडीन के मोल कितने हैं, तो कितना है, एक मिनट रुको रुको, 25.4 है ना, डिवाइडेड बाय आई टू का कितना 127, तो एक आयोडीन का होता है, वो तो एक आयोडीन का होता है ना 127, तो दो का तो 254 होगा, आई टू है ना, आई थोड़ी ना है, तो कितना आएगा ये 0.1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एल टू वो आ जाएगा 0.2 है ना। अब मुझे देखकर बताओ एक रिएक्शन होगा, दोनों दोनों होंगे या केवल दूसरा होगा। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई टू 0.1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन 0.2 है, इसका मतलब वो 0.1 को 0.2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो 0.1 जब 0.2 के साथ रिएक्शन करता है तो एक मोल कितने के साथ करेगा, दो के साथ। भाई 0.1 0.2 के साथ तो एक कितना, दो के साथ। तो जरा बताओ जब एक मोल आयोडीन एक या एक से कम के साथ करता है तो केवल पहला रिएक्शन होता है, और जब तीन या तीन के साथ कर ज्यादा करता है तो दूसरे के दूसरा रिएक्शन होता है, और जब एक तीन के बीच में होते हैं तो दोनों करते हैं, तो उसमें दोनों रिएक्शन होंगे ना, क्योंकि यहां पर जो मोल आ रहा है वो एक मोल आयोडीन दो मोल Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब यहां पर दोनों रिएक्शन होंगे, ठीक है। अब सुनो आयोडीन कितना लिया हमने, 0.1 मोल है ना, कोई दिक्कत। अब ये अभी अभी हमने जो मेथड आपको सिखाया है वैसे ही आप करें, 0.1 हमने ले रखा है, तो मान लिया कि यहां पर कितना रिएक्शन कर रहा है x, यहां पर क्या मानेंगे 0.1 माइनस x, क्यों बेटे सही है ना, अगर x ये कर रहा है तो ये भी कितना करेगा x, तो ये कितना करेगा 2x, 2 है ना, ये 0.1x कर रहा है तो बेटे ये कितना करेगा 0.1 माइनस x इंटू 3, ये कितना करेगा बेटे ये 2 इंटू 0.1 माइनस x, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ कि जो Cl2 हमने लिया है वो ऊपर वाले रिएक्शन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और नीचे वाले के साथ भी कर रहा है, तो हमने Cl2 केवल लिया कितना 0.2, वही हर जगह करेगा रिएक्शन, वो ऊपर करेगा नीचे भी करेगा, इसका मतलब जितना भी Cl2 यूज हुआ है पूरे रिएक्शन में वो किसके बराबर होगा 0.2 के, तो बताओ जरा ऊपर वाले रिएक्शन में Cl2 कितना यूज हुआ था x, नीचे वाले में कितना हुआ है 3 इंटू 0.1 माइनस एक्स यूज हुआ है, इसका समेशन किसके बराबर कर दें 0.2 के, तो यहां से एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो जो जो निकालना है सब आ जाएगा सामने। बताओ कुछ अलग था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था। तो जब भी कभी दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद अगर रिएक्शन में बोल रहा है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि कितने रिएक्शन चल रहे हैं वहां पर, एक चल रहा है दो चल रहा है कि केवल दूसरा ही चल रहा है या दोनों चल रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंगली फिर डील करो। जब एक चलता है तो भी डील करना मैंने आपको सिखा दिया, जब दोनों चलते हैं तो भी मैंने आपको डील करना सिखाया कि एक को एक्स मानो, दूसरा उतना हो, मतलब जितना दिया है उसका माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करके देख लो। बोथ द रिएक्शन विल अकर्स, तो बेटा यहां से टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, यहां से ये जो पैरेलल रिएक्शन वाला टॉपिक था ये बस इतना ही था। अब स्टाइचोमेट्री में आपका लास्ट टॉपिक बाकी है जिसका नाम है यूडोमेट्री। यूडोमेट्री आपका लास्ट टॉपिक है बस। ठीक है, तो ये लिखा क्या आपने? उसके पहले जरा हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं उस पर बेस एक दो प्रॉब्लम करेंगे और फिर हम लोग यूडोमेट्री की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लिखें जरा। सल्फर ट्राइऑक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग टू रिएक्शन। एसेट प्लस एट ओ टू गिव्स 8SO2 और 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। फिर लिखो हाउ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एसिड। सॉल्व करिए जरा। ये थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, थोड़ा सही कर देते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल एसेट, ये ऐसा ठीक है ना, 1 मोल एसेट से कितना SO3 बनेगा ये पूछ रहा है। करो जल्दी से, अब ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये तो खुद से आप फाइनल आंसर निकाल के दिखाओ। पहले बताइए किस टॉपिक की प्रॉब्लम है ये? सिक्वेंशियल रिएक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हो गया, इतना आ गया, करेक्ट।
करेक्ट। बेटा बहुत आसान है, जल्दी से करो। एक मोल एसेट देखो, एक मोल एसेट लिया है, एक मोल एसेट से कितना मोल SO2 बनेगा? 8 मोल बनेगा, जो यहां काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। अब ये देखो कि SO3 कितना बनेगा, 2 मोल से 2 मोल बनता है तो 1 से 1, तो 8 से कितना SO3 कितने मोल बन गया? 8 मोल SO3 बन गया। पहली बात तो ये है, अब आपको कुछ नहीं करना, खाली SO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है बस केवल, तो 640 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, अब तो इसमें कुछ नहीं बताना ना आपको। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए, इफ 6 मोल्स ऑफ KCLO3 आर डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KCLO4 produced if mole of O2 produced are 3। रिएक्शन है KClO3 gives KCl plus 3/2 O2, और दूसरा रिएक्शन है 4KClO3 gives thrice KClO4 plus KCl। ये एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, ट्राई करना सॉल्व करने का। ठीक है भाई, चलो तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको ट्राई करना तो सॉल्व आपसे हो जाना चाहिए। वैसे ही वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये किसी सीरीज रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन में बिलोंग नहीं करता, ये एक नॉर्मल ही क्वेश्चन है एकदम। क्योंकि देखो पहली बात तो ये सीरीज रिएक्शन तो है नहीं, सीरीज रिएक्शन कैसे पहचानते हैं कि पहले वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रिएक्टेंट की तरह काम करना चाहिए, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या किया है ना, वही एक KClO3 लिया है, वो 2 रिएक्शन कर रहा है अलग अलग, तो आप सोच के समझ के सॉल्व करिए, आंसर निकालने की कोशिश करो, थोड़ा ट्राई करना, फाइट करना। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग लिखिए यूडोमेट्री। यूडोमेट्री सबसे पहले यूडोमेट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर यूडोमेट्री होता क्या है। देखो यूडोमेट्री टर्म डिफाइन हुआ है, यूडोमेट्री टर्म डिफाइन हुआ है यूडोमीटर से। बात समझ में आ रही है, यूडोमेट्री जो टर्म है वो डिफाइन हुआ है यूडोमीटर से। यूडोमीटर एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस होता है, ध्यान से सुनिएगा, यूडोमीटर क्या होता है बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और उसका फॉर्मूला डिटरमिन कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि लैब के अंदर हजारों रिएक्शन चलते हैं, मतलब ठीक है ना। अब हमने रैंडमली कोई रिएक्शन कराया, मान लिया कि हमने कुछ SO2, CO2 और भी कुछ मिला के कोई रिएक्शन कराई, तो उसमें एक पर्टिकुलर कुछ नया टाइप का गैस जनरेट हो रहा है। अब हमें पता करना है कि जो नया टाइप का गैस जनरेट हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो हम उसके लिए यूडोमीटर का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यूडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग गैसियस मिक्सर का एनालिसिस करते हैं, किसी रिएक्शन का एनालिसिस करते हैं, या फिर रैंडमली किसी रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करने के लिए इसका यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप लिखिए जरा, देखो यूडोमीटर ट्यूब, एक ट्यूब होता है छोटा सा, यूडोमीटर ट्यूब इज ए क्लोज ट्यूब, यूडोमीटर ट्यूब इज ए क्लोज ट्यूब विच इज ओपन एट वन एंड। यूडोमीटर ट्यूब इज ए क्लोज ट्यूब विच इज ओपन एट वन एंड एंड द अदर एंड विच इज ओपन एट वन एंड एंड द अदर एंड इज ए एंड द अदर एंड इज ए क्लोज्ड वन एंड द अदर एंड इज ए क्लोज्ड वन विच इज प्रोवाइडेड विद प्लेटिनम टर्मिनल, विच इज प्रोवाइडेड विद प्लेटिनम टर्मिनल, विच इज प्रोवाइडेड विद प्लेटिनम टर्मिनल्स फॉर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रिक स्पार्क, फॉर इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है? तो बेटा यूडोमीटर एक ट्यूब होता है जिसका एक एंड ओपन होता है, जिसका एक एंड क्लोज होता है, और जो क्लोज एंड होता है वहां पर प्लेटिनम के वायर्स होते हैं ताकि हम जिसको आपस में कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकें और इलेक्ट्रिक स्पार्किंग क्रिएट कर सकें, ताकि अगर किसी रिएक्शन में कंबसन की रिक्वायरमेंट है तो हम स्पार्किंग करके प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि तो बिना स्पार्किंग के तो कंबसन नहीं होता ना, जाहिर है। ये तो कहीं भी आप एग्जाम्पल ले लें, कार में भी अगर आप गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर पेट्रोल का कंबसन करवाना चाहते हैं तभी तो इंजन स्टार्ट होगा ना, तो इसीलिए आप क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं पहले। जब तक स्पार्किंग नहीं करेंगे जब तक वो पेट्रोल नहीं जलेगा, जब तक इंजन नहीं स्टार्ट होगा। तो इसीलिए स्पार्किंग के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है उसी ट्यूब के अंदर, उसको डायरेक्टली बैटरी के साथ फिट करना है, स्पार्किंग होगा, रिएक्शन तुम्हारा चालू हो जाएगा। तुम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूडोमीटर है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन के लिए मतलब ज्यादा यूज में लाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का कंबसन करवाते हैं ना हम लोग, और कंबसन के लिए ही सब स्पार्किंग वगैरह की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कंबसन रिएक्शन के लिए ही हम लोग यूडोमीटर का ही यूज करते हैं। ठीक है? तो आप इसके बाद लिखिएगा, उसी के आगे लिखो, यूडोमीटर इज ए टेक्निक विच इज यूज टू, यूडोमीटर इज ए टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमिन, विच इज यूज टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड अदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो यूज फॉर एनालाइज, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड या एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड ऑल्सो यूज टू एनालाइज, एंड ऑल्सो यूज टू एनालाइज गैसियस मिक्सचर, एंड ऑल्सो यूज टू एनालाइज गैसियस मिक्सचर, एंड ऑल्सो यूज टू एनालाइज गैसियस मिक्सचर। ठीक है? अब ये यूडोमीटर ट्यूब किस टाइप का रहता है, जैसे
तो नीचे से ये बंद रहता है और इस तरीके से एक प्लास्टिक की कैप रहती है या मेटल की भी रहती है कभी कभी, और उसमें इस तरीके से एक प्लेटिनम वायर इधर की तरफ, एक प्लेटिनम वायर इधर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब एंड हो सकता है और ये आपका नेगेटिव एंड हो सकता है, ठीक है ना। और ये आपका ऊपर साइड से ओपन है, इसी में हमें क्या करना कराना है, रिएक्शन करा के गैसियस मिक्सर का एनालिसिस करना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन एंड क्लोज एंड विद प्लेटिनम वायर है ना। दिस इज बेसिकली यूडोमीटर ट्यूब, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक का कि आखिर हम लोग यूडोमीटर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है। अब हम लोग इसके बारे में और तरह तरह की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक लिखा, अब लिखिए सेकंड, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट जरा अब हम लोग लिखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ यूडोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन, कॉन्सेप्ट ऑफ यूडोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन गेलुसेक लॉ। ये पढ़ाया था ना आपको, इज टोटली बेस्ड ऑन गेलुसेक लॉ। क्या होता है भाई गेलुसेक लॉ, कौन बताएगा, बोलो। गेलुसेक लॉ, इसके बाद लिख लो एंड एवोगैड्रोज लॉ। गेलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ, गेलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ, बताओ भाई व्हाट इज गैलोसेक लॉ, क्या होता है, क्या बताया था मैंने, कुछ याद आ रहा है, बोलो। एवोगैड्रोस लॉ क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नहीं मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, बोलो सीधा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, ठीक है ना। गैलोसेक लॉ क्या था, वॉल्यूम तो उसमें था ना एवोगैड्रोस में, बोलो क्या था, देख कर ही बता दो। क्लोरेट गैस में होगा तो क्या, सिंपल रेशियो में होगा वॉल्यूम। अच्छा और एवोगैड्रोस लॉ क्या था, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, मतलब जिस प्रॉब्लम को हम लोग मोल के साथ डील करते हैं उसी प्रॉब्लम को सेम किसके साथ डील कर सकते हैं, वॉल्यूम के साथ। लेकिन कब डील कर सकते हैं, जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, हाँ कॉन्स्टेंट हो। बात समझ में आ रही है, ये मतलब कुल मिलाकर इसी पे ही बेस्ड है ये, समझ में आ रही बात, एवोगैड्रोस लॉ और गैलुसेक लॉ पे ही बेस्ड है। तो यहां तक कोई दिक्कत, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड
देन रूम टेम्परेचर कंडीशन विल बी कंसीडर। इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड देन रूम टेम्परेचर, देन रूम टेम्परेचर कंडीशंस विल बी कंसीडर। इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड देन रूम टेम्परेचर कंडीशंस विल बी कंसीडर। क्या मतलब है भाई इस चीज का? देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है CXHY। अब हम इसका यूडोमेट्री ट्यूब में क्या करा रहे हैं? कंबसन करवा रहे हैं, हमने डाल दिया डायरेक्ट उसमें। तो यूडोमेट्री ट्यूब में जब कंबसन करवाएंगे तो ओपन एंड इसीलिए है ताकि O2 की सप्लाई हो सके, ठीक है? तो ये O2 रहेगा। अब रिएक्शन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हाइड्रोकार्बन था, तो CO2 मिल गया और साथ में वाटर मिल गया। अब यहां पर जो वाटर मिल रहा है ना, अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाई ना करी जाए तो आप इस वाटर को लिक्विड ही मान के चलोगे और इस CO2 को गैस मान के चलोगे, इस O2 को गैस मान के चलोगे। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके बारे में वो देगा। वैसे तो हाइड्रोकार्बन जनरली गैसियस फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड भी होते हैं, तो वो देगा फिर। लेकिन अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाई ना करी जाए तो फिर जो वाटर बनता है आफ्टर कंबसन, वो हमेशा क्या लोगे आप? लिक्विड स्टेट में ही लोगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा यूडोमीटर में। N2 इज कंसीडर्ड एज ए इनर्ट गैस। N2 इज कंसीडर्ड एज एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। N2 इज कंसीडर्ड एज एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर एंड विल नॉट रिएक्ट अंटिल स्पेसिफाइड, एंड विल नॉट रिएक्ट अंटिल स्पेसिफाइड। N2 इज कंसिडर्ड एज एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर एंड विल नॉट रिएक्ट अंटिल स्पेसिफाइड। अब देखो ये क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि एक यूडोमीटर ट्यूब में हमने कार्बन लिया है, O2 लिया है, नाइट्रोजन गैस ली है, और हम उसके साथ किसी और की मतलब उसमें NaOH वगैरह डाल दिया। तो कहने का मतलब सिंपल ये है, मेरा इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। जैसे इस कमरे में बहुत सारी गैसें भरी हुई हैं, नाइट्रोजन भी है, क्या वो रिएक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन हमेशा एक इनर्ट गैस की तरह काम करता है। ऐसा क्यों? ये रीजन मैं इसका बताने जा रहा हूं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर तुम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखो तो बेटे नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है? तो ये जो बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ये बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत मतलब बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये आसानी से नहीं टूटता। ये तब तक नहीं टूटता है जब तक आप इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म ना करें या फिर और ऊपर तक गर्म ना करें। मतलब कहने का मतलब ये कि वो आसपास का टेम्परेचर भी इतना हो जाना चाहिए, इतना स्टेबल है ये। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर इस रूम का टेम्परेचर अगर तुम इस 80 डिग्री सेंटीग्रेड के पार ले जाओ, वो तो कभी पॉसिबल नहीं है वैसे, लेकिन अगर ले भी जाओ तब जाके कंडीशन पॉसिबल है कि नाइट्रोजन इस कमरे में जो अवेलेबल है वो टूटना स्टार्ट करने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा तुरंत वो। लेकिन रूम टेम्परेचर पे N2 कभी भी नहीं टूटता है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात? तो आप इसका रीजन लिखो जरा, उसी के नीचे लिखो इसका रीजन। इसका रीजन है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड
bond energy of n triple bond end is very high. Is very high. तो ये हो गया. इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. O2 is always considered in excess amount. O2 is always considered in excess amount if not specified. सिंपल सी बात है कि अगर हम O2 की बात करें तो O2 को हमेशा एक्सेस में ही आप लेके चलेंगे अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है. जरा इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं. एक पॉइंट में और आपको और बताऊंगा. जैसे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिएक्शन वेसल में तीन गैसें ली अलग अलग, A+B+C, तीन गैसों को एक साथ हमने मिला दिया. अब मान लिया कि भाई तीनों गैस का जो वॉल्यूम है वो सब मिलाकर 80 ml है. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब मेरे को पता है कि भाई पूरे गैसेस मिक्सर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 80 ml है. ए का कितना है नहीं पता, बी का कितना है वो भी नहीं पता, सी का कितना है वो भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इंडिविजुअल 80 ml है. ठीक है, तो हमारे पास 80 ml पूरा का पूरा वॉल्यूम है. मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरे गैसियस मिक्सर को एक रिएजेंट से पास कर रहा हूं. रिएजेंट क्या होता है, कोई भी एक केमिकल हो सकता है रिएजेंट. तो हमने बेटा इसको एक रिएजेंट से पास किया जिसका नाम है रिएजेंट नंबर 1. ठीक है, अब रिएजेंट नंबर 1 है कुछ भी केमिकल हो सकता है, आइदर इट विल बी CuCl2, आइदर इट विल बी एनहाइड्रस CaCl2, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है. मैंने बोला कि ये जो रिएजेंट 1 है इसने ABC का जो गैसियस मिक्सर था इसमें से C गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा खा गया, मतलब पूरा एकदम वो C गैस को एब्जॉर्ब कर लिया एकदम. तो मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई ये जो है ना, इट एब्जॉर्ब गैस C. जरा समझते जाइएगा ध्यान से, गैस C. इसके बाद जब हमने और एनालिसिस किया, तो ये पाया कि अब जो गैसियस मिक्सर का जो वॉल्यूम है वो रह गया है 60 ml. ये ऑब्जर्व किया हमने किसी तरीके से, 60 ml ये रह गया है. तो बताइए जरा C का वॉल्यूम कितना था, 20 ml था. एक चीज हमें ये पता लग पाई, पहली चीज हमने निकाल दी. ठीक है, अब 60 ml हमारे पास मिक्सर बचा हुआ है जिसमें केवल क्या है, A और B है, क्योंकि बाकी सब तो एब्जॉर्ब, ये तो खा गया है रिएजेंट नंबर A, A+B. अब हमने क्या किया, फिर से इस पूरे A और B के मिक्सर को किसी एक रिएजेंट नंबर 2 से पास किया. रिएजेंट नंबर 2 से पास किया हमने, तो ये है हमारा, क्या हो रहा है यार इसमें, रिएजेंट नंबर 2. ठीक है, रिएजेंट नंबर 2. तो जैसे रिएजेंट नंबर 2 पास, जिससे पास किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये बी गैस को एब्जॉर्ब कर गया, एब्जॉर्ब बी गैस, और जो नेट जो वॉल्यूम बचा है वो फाइनली बच गया है 20 ml. तो बताइए बेटा वॉल्यूम ऑफ बी कितना था, 40 ml, है ना, ये था. तो फिर वॉल्यूम ऑफ ए कितना बचा, 20 ml. क्या अब हमने इस तरीके से ए बी सी तीनों का वॉल्यूम पता कर लिया, लेकिन हमें यहां पर दो रिएजेंट की जरूरत पड़ी, रिएजेंट नंबर ए और रिएजेंट नंबर 2, इसी जरूरत पड़ी. अब हमें अगर ये पता ही नहीं है कि कौन सा गैस किसमें एब्जॉर्ब होता है तो हम कैसे बता पाएंगे बताओ. तो पहले तो हमको ये पता करना होगा कि आखिर कौन सा गैस किस टाइप के केमिकल में एब्जॉर्ब होता है, तब जाके हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन अगर आप ये फ्लो चार्ट समझ चुके हैं तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है यूडोमेट्री का.
बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन उसके पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर कौन सी गैस किस रिएजेंट में एब्जॉर्ब होती है। तो जरा ये लिख लो पहले जल्दी से। ये जो मैं आपको लिस्ट बनवा के दूंगा, ये सभी को नेक्स्ट लेक्चर में याद होना चाहिए पूरा टेबल अच्छे से एकदम। ठीक है लिखा। अब देखो जरा आगे, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एक टेबल बनाते हैं जरा इसमें। यहां पर हम लोग लिखेंगे एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट मतलब समझते हैं क्या, वो केमिकल जो एब्जॉर्ब करेगा गैस को। और नेक्स्ट है गैस के नाम, गैस या फिर कोई भी गैसियस मिक्सर हो सकता है, गैस या गैसेस एब्जॉर्ब। तो सबसे पहला है टर्पेंटीन ऑयल। टर्पेंटीन ऑयल, तो टर्पेंटीन ऑयल में बेटा ओजोन गैस एब्जॉर्ब होती है केवल एक। नेक्स्ट है एल्कलाइन पायरोगैलोल, पायरोगैलोल ये है O2, O2 को एब्जॉर्ब करने वाला। थोड़ा बहुत बेसिक मीडियम होना चाहिए पायरोगैलोल के साथ। वैसे IUPAC नेम पढ़ चुके हैं क्या आप? तो तुम्हें पायरोगैलोल सुना क्या आपने अभी तक? पायरोगैलोल क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक बेंजीन देखा ना, बेंजीन आपने, तो बेंजीन के किसी पहले पोजिशन पे OH लगा दो, दूसरे पोजिशन पे OH लगा दो, और तीसरे पोजिशन पे OH लगा दो लगातार एकदम, तो फिर वो पायरोगैलोल होता है फिर वो, ठीक है ना। तो वैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे अभी सब ये। इसके बाद पायरोगैलोल के बाद है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नेक्स्ट है हीटेड मैग्नीशियम, हीटेड मैग्नीशियम MG, ये एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन गैस को N2। लिखा। इसके बाद लिखो हीटेड पैलेडियम, पैलेडियम, हीटेड पैलेडियम ये एब्जॉर्ब करता हाइड्रोजन गैस को। इसके बाद है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड,
अब ये अमोनिकल क्यू प्लस क्लोराइड क्या होता है? मतलब कॉपर में अमोनिया को ले लो एक साथ, तो उसे बोलते हैं अमोनिकल क्यू प्लस। कॉपर और अमोनिया एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये एब्जॉर्ब करता है कई सारी गैसों को, जैसे कि ये एब्जॉर्ब करता है ओ टू को, एब्जॉर्ब करता है सीओ को, एब्जॉर्ब कर सकता है सी टू एस टू को, एब्जॉर्ब कर सकता है एसिटिलीन को, या फिर बेटा सी टू एस फोर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है? इन सब चीजों के लिए काम आता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिख लो यार, मैं बोल रहा हूं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, तो बेटे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, फॉस्फीन गैस को, और ये आर्सेनिक हाइड्राइड वाला गैस को, H2S, PS3 और ASS3 को, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये केमिकल है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये एब्जॉर्ब करता है आपका वाटर को, मॉइस्चर को, मॉइस्चर अब वगैरह अगर गैसेस मिक्सर में तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और अमोनिया का भी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है। इसके बाद है NaOH और KOH, सबसे फेमस NaOH और KOH सॉल्यूशन, ये एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को भी, CO2 को, NO2 को, SO2 को और X2 को। X2 मतलब क्या? हेलोजन, मतलब F2Cl2Br2I2, ये सब हेलोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? और ऑल एसिडिक ऑक्साइड, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड हैं बेटे, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जैसे NO2, ये सब जो है ना, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये सबके सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे पॉपुलर इसमें KOH होता है, KOH और NaOH होते हैं, मतलब ये दोनों, तो सबसे ज्यादा यूज हम इसी का ही करेंगे, लेकिन फिर भी आपको टेबल तो याद होना ही चाहिए, ठीक है? तो चलो आज का लेक्चर ये खत्म कर रहे हैं, टेबल याद करके आइएगा, जो होमवर्क है वो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा।